तो देखते हैं आंखों और सुनते गानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। तो जानिस नथिंग इज फेयर भाई जानिस हियर। तो जनाब आज की जो वीडियो है बड़ी खासुल खास है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको मैजिक सिखाएंगे भी, बताएंगे भी और रिवील भी करेंगे। तो जनाब मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त मौजूद एक अदद गिलास और एक अदद न्यूज़पेपर का पेपर। तो हो सकता है कि आपके पास अगर न्यूज़पेपर का पेपर ना हो तो कोई भी पेपर हो वो ले लीजिएगा। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, बल्कि सीन ही ऐसे हैं कि एक दफ़ा मैं गया एक होटल के अंदर और मेरे सामने मौजूद थे वो मतलब कोई भी समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम सामने होटल पे मतलब टेबल पे बैठे हुए थे, तो हमने बोला यार क्यों ना आपको एक ट्रिक दिखाई जाए, और ट्रिक भी ऐसे कि आप हिल जाओ। तो उन्होंने बोला यार सादा खुशबू मत दिखाना, कोई ऐसी दिखाना कि मज़ा है। तो भाईजान हल्के तो हैं नहीं, हल्के सिर्फ भाई के इलाके में आते हैं, आँखों के नीचे आते हैं, वैसे भाई हल्के नहीं हैं। तो आपके भाई ने करा है क्या? आपके भाई ने करा ये कि एक मंगवाया पेपर और एक मंगवाया गिलास, ठीक है, और उनसे ले ली रिंग जो उनकी शायद सोने की थी, सोने की तो नहीं थी, नॉर्मल थी। तो कोई भी आपने रिंग ली या कोई भी सिक्का, देखें जनाब रिंग सिक्का जो अवेलेबल हो उस वक्त आपने वो ले लिया और उस पर लिया रखा आपने गिलास, ठीक है। अच्छा ट्रांसपेरेंट गिलास हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर ये रिंग आपको दिखेगा। अब मैंने बोला कि जनाब देखो जो ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर रिंग है इसको मैं गायब कर दूंगा। गायब कर दूंगा मतलब मैं इस पर अखबार के जब हाथ मारूंगा तो रिंग ही नीचे चला जाएगा टेबल के नीचे। क्या ऐसा मुमकिन है? होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने नहीं, मैं जादूगर तो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने लिया अखबार, उसको रखा ऐसे, ठीक है, और इसको इस तरह कर लिया, ठीक है। अब मैंने बोला गौर से अपनी कुंवारी आंखों से देखो कि होने क्या वाला है। मैंने करा एक, अच्छा कुछ नहीं हुआ, तो एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं, होता है होता है होता है, नया नया मैजिक सीखा। दो, कुछ नहीं हुआ, एक ट्राई की जा, अच्छा अब वो हंसे और हम पे हंसे। हमने बोला यार हंसे तो फंसे, एक और करा, यार ये तो ये भी नहीं हुआ। चलो अच्छा काम करते हैं, माना के रिंग नीचे नहीं जा सकी बट ग्लास तो नीचे चला गया ना, और फिर हमने हाथ नीचे से डाल के गिलास नहीं। अभी हुआ कैसे आइए बताता। अच्छा जी, तो करना है क्या? करना कराना कुछ नहीं, करना सिर्फ इतना है कि एक अदद गिलास लेना, एक अदद पेपर लेना और एक अदद लेनी है आपने रिंग, ठीक है। गिलास आपने लेना है ट्रांसपेरेंट का, रिंग के ऊपर रखना है और उसको हिला के दिखाने के भाई इसके अंदर रिंग मौजूद है और आप भी आर पार देख सकते हैं। उसके बाद आपने लेना है एक पेपर, उस पेपर को आपने रखना है इसके ऊपर ऐसे और इतना रखना है कि आगे से गिलास छुप जाए। आप करते क्या है कि पहली मरतब गिलास रखना पड़ते हैं, एक गिलास मौजूद, रिंग भी मौजूद, दोबारा करा रिंग मौजूद, गिलास मौजूद। थर्ड टाइम आप क्या करते हैं, ग्लास जो है उसको आप छोड़ते हैं अपने पैरों के ऊपर, ठीक है, पैरों के ऊपर छोड़ देते हैं, हल्का सा पुश करते हैं छोड़ते हैं तो ग्लास रिलीज होकर आपके पैरों में गिर जाता है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये रखा और ग्लास आपका ये आ गया, ठीक है। ये आपके बिल्कुल पैर मजबूती से मिला के रखिएगा और पैरों के ऊपर इसको ड्रॉप कीजिएगा। अगर ऐसा ना कर पाएं, क्योंकि अगर आप होटल में होंगे तो जाहिर सी बात है बिल भी फिर आप ही ने भरने, अगर गिलास टूटेगा तो आप ऐसा करा करें जैसे ही आए आपने गिलास यहाँ से छोड़ा आपके हाथ पे गिरा और आपने हाथ नीचे कर लिया, फिर आपने इसको अपने पैरों पर रखना है, ठीक है। ये खोल बना होगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ दोबारा करके दिखाता हूँ, ये लिया ऐसे 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 ऐसे, ये रखा ऐसे, ये गिलास छूटा, आपने बोला अब देखो होने क्या वाला है। रिंग में गायब नहीं करता हूँ मैं, गिलास ही गायब कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे से हाथ डाल के गिलास यहाँ पर निकालते हैं, हर तरफ क्लैप की आवाज़ आती है और फिर जो होना था वो हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, दिखाना तो मुझे कार्ड्स वाला मैजिक था बट मैं कार्ड्स यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कॉइन वाला मैजिक, क्योंकि बहुत डिमांड में होता क्या है कि अक्सर आप अपने गैदरिंग में बैठे होते हैं दोस्तों की महफिल में या किसी प्राइवेट पार्टी में होते हैं या कभी उनके साथ होते हैं, तो आपके पास कॉइन तो लाजमी होगा। आपके पास नहीं होगा तो उनकी जेब में होगा, उनकी जेब में नहीं होगा तो किसी के पर्स में होगा, उनके पर्स में नहीं होगा तो उनकी साइड पॉकेट में होगा, मतलब कहीं ना कहीं से ये कॉइन आपको मिल जाएगा। अब आप इस कॉइन से कर क्या सकते हैं, कॉइन से क्या मैजिक हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा। सिंपल, आपने कॉइन लेना है, एक अदद रखना है आपने यहाँ पे, तो जानिस अपनी कुंवारी आंखों से देखते रहिएगा कि ये रखा मैंने कॉइन यहाँ पे। अच्छा कॉइन नहीं, ये टोकन है एक, ठीक है, कॉइन आपको 5 का 1 का 2 का 10 का कहीं ना कहीं से अवेलेबल मिल जाएगा। फिलहाल मैं कॉइन से दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉइन बड़ा आपको दिखने में भी आसानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल आपने कॉइन लिया, एक रखा यहाँ पे, पब्लिक आपसे थोड़ी दूर होगी, याद रखिएगा नज़दीक ना हो। सिंपल आपने कॉइन लिया, रखा एक दो, नाउ वॉच, आपने लेना है कि कॉइन, उसके बाद आप रखेंगे कॉइन को ऐसे और कॉइन हो जाएगा यहाँ से गायब। यहाँ से आपने कॉइन पकड़ा, गिरा कॉइन,
इसको फेंका इस तरफ, मुट्ठी बंद करी और आपका कॉइन मुट्ठी से निकल गया। कैसा है, कहाँ था ये कॉइन, कहाँ था यार? आइए बता दो, सबसे डिमांडिंग मैजिक है कि कॉइन का मैजिक, छोटी से छोटी चीज के आप एक बड़ा मैजिक कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना है क्या, सिंपल एक अदद लेना है कॉइन, चाहे एक का हो, दो का हो, पांच का हो, छह का हो, दस का हो। छह का तो खैर होता नहीं, मैंने जस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप किसी गैदरिंग में हो, दोस्तों में बैठे हो, ठीक है, बट पब्लिक आपसे थोड़ी दूर होगी, इतनी दूर होगी कि अगर आप हाथ ऊपर करें तो उनको हाथ ही दिख रहा हो और कुछ ना दिख रहा हो, यानी कि हथेली दिख रही हो, हथेली के पीछे क्या है कुछ ना दिख रहा हो। तो जनाब आपने लिया सिक्का, आपने फेंका एक, आपने फेंका दो, थर्ड टाइम आप करते गए, सॉरी थर्ड टाइम आप करते गए, आपने रखा जब ये तो सिक्का आया ये, उसके बाद बैक साइड से मैं दिखाता हूँ हुआ क्या। थर्ड टाइम सिक्का यहाँ नहीं आता, थर्ड टाइम सिक्का जाता है बैक साइड पे और आप हाथ यूं करके यूं हाथ फौरन खोलते हैं और इधर देखते हैं, तो फौरन बंदा मिसडायरेक्ट होता है, ठीक है, वो मिसडायरेक्ट होगा कि इधर सिक्का यहाँ पे, जबकि यहाँ नहीं होता। आप यहाँ से दोबारा यूँ पकड़ते हैं कि जिस सिक्का आपने पकड़ लिया हवा में, आपने फेंका यूँ, मुट्ठी यूँ बंद करी, यहाँ फिंगर डाली, इस अंगूठे से आपने इसको ऐसे उठाया और ले लिया। दोबारा करके दिखाते हैं आसानी से, गौर से देखिएगा, वन कॉइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम आपने लिया यूं, अंगूठे से एक उंगली जाएगी यहाँ और अंगूठा इसको पुश करेगा बैक साइड पे, ठीक है। ये आया थर्ड टाइम, ये अंगूठे ने इसको पुश करा बैक साइड पे, फिंगर ने इसको पुश करा अंदर, और ये करने के बाद अंगूठा यहाँ गया और आपने फौरन हाथ खोल दिया, ठीक है। अब ये आपने हाथ खोला और फौरन इस हाथ को क्या करना है, गौर से देखें, वन टू, ये आया यहाँ बैक साइड से, थंब ने इसको पीछे करा, इस उंगली ने इसको यहाँ करा, यहाँ यहाँ, और ये करके आपने फौरन पकड़ा और ये फेंका और फिर यूँ पकड़ा और यूँ फेंका, यूँ बंद करा, यहाँ उंगली डाली, यहाँ थम से उठा के इसको ऐसा कर दिया और ये आपका सिक्का आ गया, अपीयर एंड डिसअपीयर, इस तरह आपका सिक्का। थैंक यू सो मच।